आज मैं आपके साथ किनुआ खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी ले सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है एंड प्रोटीन में रिच है। इसको आप एज अ वेट लॉस रेसिपी भी ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये किनुआ लिए हैं, इसको 2-3 आवर्स के लिए सोक करके रख दिया था। एंड ये मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती है। दोनों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने वॉश कर लिया है दोनों को, ये जो किनुआ सीड लिए हैं इसको भी, एंड जो मूंग की दाल लिया है इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। एंड बॉयल होने के लिए अब इसको कुकर में डाल देंगे इस तरीके से। डाल देंगे इसको, मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। और हाफ बोल किनुआ सीड और दाल था, तो इसमें मैं 1.5 बोल वाटर ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी आप अगर कम ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से वाटर की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर लीजिए। एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको बंद करके बॉयल होने के लिए रख देंगे। मैं इसमें 3 से 4 सीटी लगाऊंगी और गैस का फ्लेम बंद करके जब तक इसकी गैस निकलेगी तब तक इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये बॉयल हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से आई है, क्योंकि खिचड़ी है तो मुझे इसी कंसिस्टेंसी में रखना था। आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। ये बॉयल हो चुकी है, अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा देसी घी लिया है, ये थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा क्यूमिन सीड, ये ग्रीन चिली, थोड़ा सा ये ड्राई करी लीव्स हैं, अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स हैं तो वो ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉटे कर लेंगे इसको। ये अनियन है, इसको मैंने चॉप करके रखा था। इसको भी भून लेंगे थोड़ा सा। ये भून चुका है तरीके से, इसको भून लिया है मैंने। ये भुन गया है। स्पाइसेस में ये टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा ये कोरिएंडर पाउडर। ये खिचड़ी है तो मैं इसमें कोई रेड चिली ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको भून लेंगे अच्छे से। इसके बाद ये जो मैंने चॉप टमेटोज रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। इसको भी इस तरीके से पकाएंगे, सॉफ्ट होने तक इसको इस तरीके से पकाएंगे। इसके बाद में ये चॉप्ड कैप्सिकम, ये ग्रेटेड कैरेट है, आप जो भी सब्जी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है इसमें मैंने और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, इसीलिए जो कैरेट है मैंने ग्रेट करके इसको डाला है। इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये अच्छे से पक गई हैं सब्जियां। अभी जो बॉयल करके रखी थी खिचड़ी वो ऐड कर दूंगी मैं इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भून भी लेंगे इसको तरीके से। तरीके से चलाते रहेंगे, 1-2 मिनट का गैप
कर देंगे, फिर से चलाएंगे। इस तरीके से बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से पक चुकी है ये, भुन गई अच्छे से। अभी इसमें जो चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स हैं वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये डाला है मैंने गरम मसाला, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। एंड इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एंड लीजिए, आपकी किनुआ खिचड़ी बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी है, इसको आप बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है एंड बहुत हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप देसी घी इसके ऊपर डाल के इसको सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, इसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।